वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो जेट के जितने भी स्टूडेंट थे जिनको यहाँ पर कॉलेज काउंसलिंग में मिल चुकी थी फर्स्ट लिस्ट में, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो कि ये एक नोटिस अभी रिलीज़ किया गया है, एक प्रेस नोट्स। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट सीट का आवंटन किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, अर्थात कैंसिल कर दिया गया है। अब आप कहोगे सर हमने तो अलॉट भी कर लिया था या फिर हमने तो फीस पे भी कर दी थी। तो इसके लिए यहाँ पर याद रखिए, स्पेशली आपको मेंशन लिख रखा है, अर्थात आपको बताया गया है जो प्रथम काउंसलिंग है वो 18 सितंबर 2023 अर्थात सोमवार को फिर से दोबारा से यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी, दोबारा से बता दी जाएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया था या फिर अलॉट हो चुके थे, तो इसके लिए क्या किया गया है याद रखिएगा कि जिस बैंक या फिर UPI से आपने पेमेंट किया था उसी में याद रखिए वापस आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसे पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है। जिनका भी यहाँ पर पेमेंट हुआ था उन सभी को रिफ़ंड कर दिया जाएगा सेम उसी खाते में जिसमें आपका पहले पैसा कटा था, चाहे आपने वो ईमित्र से करवाया हो तो ईमित्र की ID पर आएगा, आपने अगर खुद ने किया है तो अच्छी बात है वहाँ पर ये पेमेंट आएगी। ठीक है, तो आप दोबारा से अगर मान लीजिए ईमित्र से आपने कटवाया था तो आप ईमित्र से जाकर संपर्क कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी ये पेमेंट है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट थी। बाकी मिलते रहे नेक्स्ट अपडेट के साथ।